दोस्तों बिग बॉस के घर की बात करें, बिग बॉस के घर के अंदर आ चुका है नया कार्य। तो ये कार्य क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल गार्डन एरिया को पनिशमेंट जोन में कन्वर्ट किया गया है और इस पूरे कार्य के संचालक और कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि आखिरी हफ्ते के कप्तान और पहले फाइनलिस्ट फुकरा इंसान होने वाले हैं। अब बिग बॉस ने यहाँ पर फुकरा इंसान को साफ तौर पर एक बात कह दी है कि वो बिल्कुल सही रहेंगे और अपने दिमाग और बेबाक अंदाज से ही जैसे वो खेलते आए हैं वो उस इंसान को पनिशमेंट देंगे जो पनिशमेंट का सही हकदार होने वाला है। अब दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर पनिशमेंट जोन में काफ़ी सारे अलग अलग पनिशमेंट है, जैसे जॉक कॉर्नर है और साथ ही साथ कपड़े लॉन्ड्री वाला कॉर्नर है, जूते साफ करने वाला कॉर्नर है। तो यहाँ पर वो सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बुराई से किसने ये गेम खेला है, आप हमें बेबाक अंदाज में बताएं। तो उन्होंने बेबिका का नाम लिया और कहा कि जब से पहला हफ्ता आया उसके बाद से ही जब ये नॉमिनेट हुई तो इसके गेम में चेंज आ गया और हर बार चेंज आता हुआ नजर आया, ये काफ़ी ज़्यादा बुरी होती गई, लोगों के बिलो द बेल्ट टिल्ट करना और साथ ही साथ गंदी गंदी बातें बोलना बेबिका हमेशा से ये करती नजर आई। तो यहाँ पर दोस्तों बेबिका को लॉन्ड्री करने का काम मिला है और जो गंदे कपड़े यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं ये उन्हें धोने के लिए दिए गए हैं और अब वो धो रही हैं बिग बॉस के अगले आदेश आने तक या फिर कपड़े पूरी तरीके से आखिरी तक धुल जाने तक, ये होने वाला है पहला कार्य। इसके बाद आने वाले टाइम में एक एक करके बिग बॉस बताएंगे कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से किसे क्या पनिशमेंट मिलने वाली है। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि क्या बेबिका को सही पनिशमेंट मिली है या नहीं, कमेंट जरूर कर दें। बिग बॉस के और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को ताकि आप तक पहुंच जाए लाइव फीड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।